तवांग के लिए रवाना हो चुके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी साथ में रवाना हुए हैं। तवांग में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। यहीं पर सैनिकों के साथ दीप प्रज्वलन भी करने वाले हैं और सबसे अहम बात ये कि उनकी तरफ से दरअसल ये फैसला लिया गया है लद्दाख का मामला सुलझने के बाद कि वो तवांग में ही दिवाली मनाने वाले हैं और इसीलिए उनकी रवानगी हो चुकी है। भारत और चीन के द्विपक्षीय रिश्तों में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर सालों से जो तनाव चला आ रहा था उसको दोनों देशों ने बातचीत के जरिए अब सुलझा दिया है और अब इस समझौते के सुलझने के बाद जिस तरह समझौता हुआ है इसके बाद अब रक्षा मंत्री तवांग में जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए निकल चुके हैं। हालांकि इससे पहले आप जानते हैं कि तवांग को लेकर भी चीन अक्सर दावे ठोकता रहता है और इसको लेकर भी कई बार पहले तनाव देखने को मिला है, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिवाली के इस खास मौके पर अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो तवांग में जवानों के साथ दिया जलाकर दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि आपको ये बताएं कि आज रक्षा मंत्री यहीं पर रहने वाले हैं और उनके साथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू वो भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, कुछ और मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह से लद्दाख में मामला सुलझा है उसके बाद अब रक्षा मंत्री की तरफ से ये फैसला लिया गया है।